फजीलत, आप माहा के लिए फ्रेश जूस बना दीजिए। डब्बे वाला जूस इसे नहीं देना, इस बात का आपने ख्याल रखना है। जी बिल्कुल, आप फिक्र मत करें बेगम साहिबा, मैं पूरा ख्याल रखूंगी। तुम किचन में क्या कर रही हो? चलो जाओ कमरे में रेस्ट करो। वो मामा, एक्चुअली आज सारिम की बर्थडे है ना, तो मैं चाह रही थी कि हम सब मिलकर उसे सरप्राइज देते हैं शाम को। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें किचन में कोई काम नहीं करना। डिनर के लिए हम कुछ बाहर से ऑर्डर कर लेंगे, बाकी काम फजीलत देख लेंगे। जी बिल्कुल। अब थैंक यू मामा, लेकिन मैं चाह रही थी कि मैं सारिम के लिए केक खुद बनाऊँ। अच्छा चलो ठीक है, पहले हम नाश्ता करते हैं, उसके बाद प्लान करेंगे कि क्या करना है। ठीक है मम्मी, आप नाश्ता लें। जी चलो आओ। हेलो। हाय, आओ बैठो। सारिम, मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। बोलो क्या करना है। वो एक्चुअली मुझे आज कुछ बहुत जरूरी शॉपिंग करनी है, तो ऑफिस से वापसी पे तुम चलोगे मेरे साथ? I don't think so. तुम्हें मालूम है आजकल माँ की तबीयत खराब रहती है, तो मुझे घर जल्दी जाना है। Come on सारिम, इतनी देर भी नहीं लगाऊंगी मैं। I promise I'll be quick. हम जल्दी वापस घर चले जाएंगे। ठीक है, फिर हम ऑफिस जल्दी ऑफ कर लेंगे ताकि घर जल्दी जा सके। ठीक है, थैंक यू सो मच सारिम, तुम बहुत अच्छे हो। मैं आती हूँ। Oh my God, wait. रुको। ये वाली कितनी अच्छी है ना, तुम पे बहुत सूट करेगी। I think you should try. यहाँ मेरे ख्याल से हम तुम्हारी शॉपिंग के लिए आए थे, जल्दी कर लो ताकि हम घर चलने देर हो जाएगी वाली। I know बाबा, but come on, अब आ ही गए तो चेक करने में क्या हर्ज है, दो मिनट ही तो लगेंगे। इसकी क्या जरूरत है, ठीक। Come on ना, please. Come on ना. फजीलत, आप बाकी सारी चीजें भी ले आइए। जी बेहतर। माहा, सारिम कहाँ रह गया बेटा? बहुत देर हो गई है, उसका फोन करके पता करो। अब हाँ मम्मा, आज वाकई सारिम ने बहुत देर कर दी, मैं फोन करके देखती हूँ। हाँ सारिम, चलो ना प्लीज, चल के किसी अच्छी सी जगह पे खाना खाते हैं, मुझे बहुत भूख लग रही है। नहीं यार, काफी देर हो जाएगी, माँ घर पे इंतजार कर रही है। ठीक है फाइन, वैसे भी तुम्हारा बहुत एहसान है कि तुम शॉपिंग पे ले गए, दैट्स इनफ। हाँ माँ। सारिम कहाँ हो तुम? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ, इतनी देर हो गई, अब तक घर क्यों नहीं आए? बस घर की तरफ ही आ रहे थे, ड्राइव कर रहा हूँ। हाँ चलो ठीक है, तुम ख्याल से गाड़ी ड्राइव करो, फिर हम मिलते हैं। हाँ ठीक है, खुदा हाफिज़। अब मामा, मेरी सारिम से बात हुई, वो कह रहे हैं कि वो आ रहे हैं बस रास्ते में, मैं चेंज करके आती हूँ जब तक। हाँ जाओ, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, यहाँ की सारी चीज़ें मैं देख लेती हूँ। ठीक है, आराम से बेटा। हैप्पी बर्थडे सारिम।
भैया था। मैंने तो तुम्हारी पूरी बर्थडे पार्टी भी प्लान की हुई थी, सरप्राइज, लेकिन तुमने सब खराब कर दिया। मगर तुम्हें याद था, तुमने विश किया, यही बहुत था बेटा। थैंक यू। लेकिन माँ ने तुम्हें विश किया? हाँ, सबसे पहले उसी ने तो विश किया मुझे। ये हावर खाने के लिए आया है। तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, तबीयत तो ठीक है, पर वो कह रहा था कि उसका दिल नहीं चाह रहा खाना खाने का। उसका मूड नहीं होगा। तुम तो लो, ठंडा हो रहा हो। बाबर, ये बैठे बैठा क्या हो गया? किसकी नजर लग गई हमारी खुशियों को? अल्लाह ताला कब मेरे बेटे की आजमाइशों को खत्म करेगा? क्या हम अपने बच्चे की खुशियां दोबारा से नहीं देख पाएंगे? शायदा, इंसान अल्लाह के फैसलों और रजा के सामने बेबस होता है। हमारे पास भी सब्र के अलावा कोई चारा नहीं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमारा बेटा हमारे साथ है, हमारी नजरों के सामने। अच्छा चलो, ये लो प्लीज। मेरी बर्थडे याद है, वो कैसे भूल सकती है? सारम, तुम इतनी लेट हो गए घर आने में। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगवाती हूँ। मुझे मेरी बर्थडे विश नहीं करूंगी। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू माँ, मैं जानता था तुम मेरी बर्थडे कभी नहीं भूलोगी। लेकिन तुम ये भूल गए कि मैं घर में तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तुम्हारे लिए अपने हाथों से केक बनाया और मामा के साथ मिलके कुछ सरप्राइज भी प्लान किया था। तुमने इतनी देर कर दी आने में कि मामा पापा भी जाके सो गए। तुमसे भी माफी मांग रहा हूँ और शुभम से भी माफी मांग रहा हूँ, माफ कर दो। केक काट। मैंने सोचा था कि सारिम के लिए सरप्राइज बर्थडे डिनर प्लान करूंगी, हम साथ ही केक काटेंगे। उस माँ को तो सारिम की बर्थडे भी याद नहीं होगी, मगर उसने ऐन वक्त पर सारिम को फोन करके मेरा सारा प्रोग्राम खराब कर दिया। सारिम कितना खुश था, मगर वो माँ हमेशा से मेरी खुशियों के दरमियान आ जाती है। मैं बचपन से अब तक उसे बर्दाश्त कर रही हूँ। बचपन में भी वो सिर्फ माँ का दोस्त था, उसी के साथ खेलता था,
और अब जब वो मेरा भी दोस्त बन गया है तो महा उसे मुझसे छीनना चाहती है और ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। खबर बेटा, तुम्हें पता है ना कि आज हॉस्पिटल जाना है, तुम्हारा चेकअप है आज। नहीं, मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा। क्यों? तुम अपनी माँ को सजा देना चाहते हो? अल्लाह ना करे, सजा तो कुदरत ने मेरे लिए तजवीज की है ना, आपको क्यों मिलेगी सजा? नहीं बेटा, अल्लाह ताला किसी को सजा नहीं देता, ये तो एक छोटी सी आजमाइश है और तुम इसी में हिम्मत हार गए। अच्छा मुझे बताइए, मैं ठीक होके करूंगा क्या? सब कुछ तो मैं अपने हाथों से गवा चुका हूँ। किसके लिए जी? मेरे लिए, अपने पापा के लिए। क्या हमारा इतना भी हक नहीं है तुम पर? क्यों मेरी ममता को इम्तिहान में डाल रहे हो बेटा तुम? मैं तुम्हें तुम्हारे पाँव पर चलता फिरता देखना चाहती और मुझे पूरा यकीन है कि तुम एक दिन अपने पाँव पर चलोगे। खबर, तुमने हमेशा मेरी बात मानी है बेटा, तुम मेरे अच्छे बच्चे हो। तुम्हारे कपड़े निकाल रही मीरा बीबी, बेगम साहब आपको नाश्ते के लिए बुला रही हैं। नहीं फजीलत बीबी, मेरा नाश्ता करने का मूड नहीं है, मैंने अपने लिए जूस निकाला था, मैं वही पीऊँगी। आप एक काम कीजिए, आप माँ के लिए ये जूस ले जाइए, मैंने सोचा अपने लिए निकाल रही हूँ तो उसके लिए भी निकाल दूँ। जी ठीक है, ले जाती हूँ मैं। थैंक यू। माँ बीबी, ये जूस ले लो। थैंक यू फजीलत बीबी। जूस पी के ना आप नीचे नाश्ते के लिए आ जाइएगा। जी ठीक है, आप चल। जी बात। वेरी सॉरी ताईजान, कल मुझे आने में देर हो गई, एक्चुअली मेरी गाड़ी ख़राब हो गई थी इसलिए मैं लेट पहुँचा। कोई बात नहीं सारे, असल में माँ ने तुम्हारे लिए बहुत प्यार से सरप्राइज बर्थडे डिनर का प्रोग्राम बनाया था, तो बस हम सारा दिन उसी में लगे रहे। बेगम साहिबा, मीरा बीबी कह रही हैं कि वो देर से नाश्ता करेंगी। अच्छा ठीक है फजीलत, आप महा को बुला लेंगे। जी बहुत बेहतर। सॉरी बेटा, कल तो हम तुम्हें विश नहीं कर सके, बहरहाल तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो, अल्लाह तुम्हें खुश और कामयाब करे। आमीन। थैंक यू सो मच। Thank you.
महाबीबी क्या हुआ आपको? क्या हुआ महाबीबी? अल्लाह महाबीबी, बेगम साहिबा, सालिम साहब। हाँ सारिम, कल सरप्राइज के चक्कर में हम तुम्हें विश करना ही भूल गए। भाई तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो सालगिरह की। जीते रहो, खुश रहो। थैंक यू सो मच। बेगम साहिबा, वो महाबीबी, महाबीबी अपने कमरे में ऊपर बेहोश पड़ी है। क्या हुआ महा को? अल्लाह खैर। इस हालत में अक्सर ब्लड प्रेशर शूट कर जाता है। मेरा ख्याल है महा इसी वजह से बेहोश हुई है। डॉक्टर साहब, कैसी है मेरी बेटी? देखिए, अभी हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, पेशेंट की जिंदगी खतरे में। ये है जियो।